महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है और सरकार में होने का फायदा एनसीपी को मिलने लगा है। बरसों से लगे एनसीपी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के दाग अब धुल रहे हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को 25,000 करोड़ के सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी राहत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक सबूत के अभाव में पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। मामले में अजीत पवार समेत 69 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है जिसमें कहा गया कि अजीत पवार पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में बम्बई हाईकोर्ट के निर्देशों पर अगस्त 2019 को एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार समेत 69 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 10 नवंबर 2010 से 26 सितंबर 2014 तक उप मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरे आरोपियों में पिजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के नेता जयंत पाटिल और राज्य के 34 जिलों में बैंक इकाई के अधिकारी शामिल हैं, जिसमें अब सभी को क्लीन चिट दे दी गई है। इससे पहले भी कृषि घोटाले में फंसे अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी गई थी। पिछले कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी सरकार में खटपट की खबरें आ रही थी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार सुशांत मामले में फंसी थी, उस दौरान भी पवार ने चुप्पी साध ली थी। चर्चा थी कि अजीत पवार अपने ही सरकार से नाराज चल रहे हैं और इसी बीच अजीत पवार को एक बड़े मामले में क्लीन चिट मिलना कहीं पवार को खुश करने के लिए ये तोहफा तो नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।